much better. It is 3rd of June, another beautiful day here in Tinsukia. I wanted to motovlog, but rain is playing a sort of hide and seek with me. So I am skeptical about ki mujhe kya karna chahiye. So without wasting any time, let's roll. Good morning and welcome back to another motor vlog. So I am on my way to Tinsukia. Aaj bike pe, kyunki gaadi aur public transport ki facility ka main respect karta hu, but apan to bike ke bande hain, to bike zyada bhati hai. So on to my left, if you can see, is the Hindustan Unilever, jo ki most of you might already know. हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत बड़ा ब्रांड है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का. ऑन टू माय लेफ्ट एंड ऑन टू माय राइट इज अ स्मॉल ढाबा. मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, परफेक्ट राइडिंग कंडीशन. एज यू कैन सी द फ्लावर्स ऑन द रोड आर ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. तो इसका मज़ा लेना है तो आप बाइक चलाना बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते. मैन सच अ लवली फीलिंग टू वॉच ऑल दोज फ्लावर्स लाइक एकदम आपके ड्राइववे के सर के ऊपर. चलो फिर एंजॉय द रोड. नॉट दिस ब्रोकन वन. अच्छे रोड्स पे कैमरा ऑन करता हूँ. तो आप यहाँ से स्ट्रेट जा सकते हो तिनसुकिया के लिए, बट आई विल बी टेकिंग द ऑल्टरनेटिव रूट. आई विल बी यूजिंग द बाईपास क्योंकि मुझे जाना है अपने कॉलेज. और जा भाई जा जा, बहुत जल्दी है तेरे को. और ये बाईपास स्टार्ट होना हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज ऑल्टरनेटिवली अगर हम लोग यहाँ से कहीं बाहर निकलते हैं राइड पे, लाइक लोअर असम की तरफ गुवाहाटी या फिर कहीं भी, तो हम लोग आमतौर पे शाम को निकलते हैं 6 या 7 बजे. उस समय एकदम पीक ट्रैफिक होता है, आपको तिनसुकिया में मिलता है विद द सैडल बैग्स एंड टैंक बैग्स एंड ऑल द गिज़्मोस. बहुत परेशानी होती है जाने में. और अब जैसा कि देख लो ये ऑल्टरनेटिव बाईपास बन गया है, तो हम लोग को तिनसुकिया जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. अगर आना भी चाहो तो सीधा आ सकते हो. इफ़ यू कंटिन्यू गोइंग स्ट्रेट, आपको आप डिब्रूगढ़ वाले रोड में स्ट्रेट निकल जाओगे यहाँ से. काम हो गया है ख़त्म, अभी लेके चलता हूँ एक स्पेशल जगह पर. इट्स 1 o'clock. सो नाउ वी आर गोइंग टू दिस प्लेस जहाँ पे तिनसुकिया की, जाओ भाई जाओ, जहाँ पे तिनसुकिया की बेस्ट कॉफ़ी मिलती है मेरे एक्सपीरियंस में. वहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक तो वो लोग कॉफ़ी तो अच्छा बनाते ही हैं, और दूसरा कि मैं वहाँ पिछले 6-7 महीने में गया ही नहीं, क्योंकि तिनसुकिया बहुत कम आना होता है. आज मौका मिला है और आज हमारे पास तो कैमरा भी है, तो चलते हैं ना. ब्लैक फॉरेस्ट डी कैफे.
बढ़िया स्नैक था, मैंने एक पनीर काठी रोल और एक कैपेचिनो लिया जो कि सफिशिएंट है लंच के लिए। अरे बाबा, राम 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 राम, बहुत बढ़िया। एक शॉर्टकट है जो मैं ले रहा हूँ, अगर मैं सीधे जाके अगर वैसे जाऊँ तो फिर मैं कहीं भीड़ में फंस जाऊँ, ऐसा चांसेस है, तो आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। भैया एक ग्लास जूस देना। आई होप यू एंजॉयड द टाइम लैप्स, चलते हैं अब। दैट वॉज क्विक मैन। ऑल राइट, सो मैं कुछ ही दूर हूँ अपने घर से, तो बस वही मैं जा रहा हूँ। अरे कोई स्टॉक कर रहा था क्या? ऐसा लगा मुझे कि कोई स्टॉक कर रहा था। अगर मैं अपकमिंग वीडियोज़ की बात करूँ तो दो तीन जगह मैंने शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं, एक्सट्रीम ऑफ बीट प्लेसेस है, उसके ऊपर वीडियोस आएंगे और एक वीडियो बाइक के ऊपर आएगी। आई विल बी डूइंग फुल मॉडिफिकेशन टूरिंग सेटअप फॉर दिस मोटरसाइकिल डोमिनार 400। हाल ही में मैं कहीं जाने वाला हूँ तो उसके ऊपर भी ट्रेवल व्लॉग्स आएंगे, इंटरेस्टिंग वाले। विद दैट सेड, आई एम एंडिंग द वीडियो हियर। हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉयड एंड आई विल सी यू अगेन विद द सेम एंथुसियाज्म। दिस इज विशाल, जय हिंद।